अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाज़िया अरशद। आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए। सबसे पहले शामिल करेंगे आलमी मंजरनामे से कुछ मुख्तसर खबरें देसी टीवी यूएसए इंटरनेशनल में। कीनिया, फौजी हेलीकॉप्टर तबाह, 10 फौजी हलाक। कीनिया का फौजी हेलीकॉप्टर दारुल हुकूमत के करीब वाकिया काजियाडो काउंटी के करीब लैंडिंग के दौरान गिरकर तबाह हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक हेलीकॉप्टर हादसे में 10 फौजी हलाक जबकि 13 के करीब जख्मी हुए, जिनमें से 10 की हालत तश्वीशनाक है। कनाडा में कदीम मकामी बाशिंदों के स्कूल में मजीद 751 बच्चों की कब्रें दरियाफ्त। ख्याल है कि ये एक माह के अरसे के दौरान कबायली बच्चों की कब्रें मिलने का ये दूसरा वाकया है। गुज़श्ता दिनों भी ब्रिटिश कोलंबिया सूबे में कबायलियों के एक साबिक बोर्डिंग स्कूल से 215 बच्चों की बाकियात मिली थी। कोरोना वायरस 20,000 साल कबल भी तबाही फैला चुका है, तहकीक में दावा। माहरीन हयातियात का कहना है कि वबा ने कई सालों तक खित्ते को जकड़ कर रखा था, जबकि कोरोना वायरस ने लोगों के डीएनए में अर्तकाई नकुश छोड़े हैं। तहकीक के मुताबिक इस दौरान कोरोना इन्फेक्शन के खिलाफ मुदाफियत पैदा करने वाले जीन भी तेजी से फैले। वो जीन आज के वबाई अमराज के लिए नहायत अहम साबित हो सकते हैं। भूलने की बीमारी में मुब्तला हजारों अफराद लापता हो गए। जापान में 2020 में खतरनाक दिमागी मर्ज डेमेंशिया में मुब्तला अफराद में से 17,565 लापता हो गए। गुज़श्ता बरस जापान भर में डेमेंशिया में मुब्तला अफराद में से 17,500 के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई, जो अब तक की एक साल में सबसे ज्यादा तादाद है। मुल्क में क्या हो रहा है जानते हैं देसी टीवी यूएसए नेशनल में। इलाकाई मसाइल का हल बामाइनी बैनुल अक्वामी हिमायत में ही मुजम्मर है, आर्मी चीफ। आईएसपीआर के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जर्मनी के कमांड एंड स्टाफ कॉलेज के दौरे में खिताब किया, जिसमें अफगान अमन अमल के हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल पर भी बात की। अल्लाह के सिवा किसी से माफ़ी नहीं मांगी, बुज़दार के नोटिस पर रद्द अमल। लाहौर, मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जमान उस्मा बुखारी ने वज़ीर आला पंजाब की जानिब से नोटिस भेजे जाने पर कहा है कि उस्मान बुज़दार ने कानूनी नोटिस में माफ़ी का मुतालबा किया है, लेकिन अल्लाह के सिवा किसी से माफ़ी नहीं मांगी और न किसी से डरती हूँ। पाकिस्तान, कोरोना से 44 अमवात, मुस्बत केसेस की शरह 2.29 रिकॉर्ड। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 45,924 टेस्ट किए गए, जिनमें से 1,052 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से 44 हलाकतें हुई। स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली को तब्दील नहीं किया जा रहा, वजीर आला जाम कमाल। वजीर आला बलूचिस्तान का कहना था असेंबली में पेश आने वाले वाक़े पर स्पीकर बाख्तियार हैं, वो पार्लियामानी कमेटी बनाकर मामले को हल करें। जाम कमाल ने कहा हुकूमत ने बजट हर सूरत में पेश करना था, जिसके लिए हम सब असेंबली गए। अपोजिशन के खिलाफ एफआईआर वापस लेने का इख्तियार असेंबली को देता हूं। और अब देसी टीवी यूएसए अजीबोगरीब दुनिया। गठिया के मरीज बूढ़ी पेंगुइन को खास जूते पहना दिए गए। बूढ़ा होना भी कई मसाइल अपने साथ लाता है और जानवर भी इससे महफूज नहीं। मैसूरी के एक चिड़ियाघर में उम्र रसीदा पेंगुइन की टांगों को सुकून पहुंचाने के लिए उसे खास डिजाइन शुदा जूते पहना दिए हैं, जो गठिया का मरीज बन चुका था। सेहत की दुनिया से कुछ खबरें देसी टीवी यूएसए हेल्थ में। जवानी में बालों को सफेद करने वाली अहम तरीन वजह सामने आ गई। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के वेजिलोस कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स की तहकीक में पहली बार ऐसे शवाहिद फराहम किए गए हैं जिनसे इंडिया मिलता है कि जहनी तनाव और बालों की सफेदी के दरमियान ताल्लुक मौजूद है। टेक्नोलॉजी की दुनिया से कुछ खबरें देसी टीवी यूएसए साइंस एंड टेक में। टिकटॉक का ये नया फीचर आपको जरूर पसंद आएगा, इस फीचर को जंप्स का नाम दिया गया है। मिसाल के तौर पर अगर कोई सारिफ खाना बनाने की वीडियो बनाता है तो वो रेसिपी ऐप विशक के लिंक को इसमें एम्बेड कर सकता है, जिससे नाज़रीन एक बटन क्लिक करके इस तरकीब को टिकटॉक के अंदर ही देख सकेंगे। कारोबारी दुनिया से कुछ खबरें देसी टीवी यूएसए बिजनेस में। डेयरी व पोल्ट्री मसनुआत और रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट पर टैक्स कम करने का फैसला। प्लांट और मशीनरी की दरामद पर भी टैक्सों की शरह को रैशनलाइज किया जा रहा है। सीपैक की रफ्तार बढ़ाने के लिए नई कमेटी कायम। पाक चाइना रिलेशंस स्टीयरिंग कमेटी मुख्तलिफ महकमों और एजेंसियों के 15 नुमाइंदों पर मुश्तमिल। एंटरटेनमेंट की दुनिया से कुछ खबरें देसी टीवी यूएसए शोबिज में। अमिताभ बच्चन ने करोड़ों रुपए की तिब्बी आलात अतिया कर दिए। बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन अदाकारी के अलावा सामाजिक खिदमत के लिए भी मशहूर हैं। अदाकार ने मुंबई के एक निजी अस्पताल को जदीद तिब्बी आलात अतिया किए हैं, जिनकी लागत 2 करोड़ रुपए के लगभग है। सीनियर अदाकार अनवर इकबाल की तबीयत नासाज, अहले खाना की दुआओं की दरख्वास्त। अनवर इकबाल पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार हैं, जिन्होंने उर्दू और सिंधी के कई ड्रामों में यादगार किरदार अदा किए। ताहम ड्रामा सीरियल शमा ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। खेलों की दुनिया से कुछ सनसनीखेज खबरें देसी टीवी यूएसए स्पोर्ट्स में। पीसीबी को सहारा देने गया था मगर उसे नहीं चाहिए था, यूनुस खान। बाहर आकर अब दूसरों की तरह बातें करूँ तो दुरुस्त नहीं होगा।
चार छह माह गुजरने दें तो फिर बात करेंगे, साबिक बैटिंग कोच। पेशावर जलमी को शिकस्त, मुल्तान पीएसएल का नया सुल्तान बन गया। मुल्तान सुल्तान ने पेशावर जलमी को 47 रन से शिकस्त देकर पीएसएल 6 की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। अब तक के लिए इतना ही, बाखबर रहने के लिए देखते रहिए देसी टीवी यूएसए।